आज मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन कल तो बड़े हो जाएंगे ना, आज मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कल तो काम काम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरे साथ हाथ बटाने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, और वो कौन से होंगे आपको जल्द व्लॉग में धीरे धीरे पता चलने वाला है। आज के व्लॉग की शुरुआत में एक खास बात बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों पर ना इतना भरोसा रखना कि वो ना अपनी लाइफ में अगर चाहे तो सारी चीज़ें बदल सकती हैं, किसी का साथ हो ना हो, चाहे कोई कितनी भी मुश्किल क्यों ना है। तो चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं हमारी मॉर्निंग की। तो मेरी मॉर्निंग की हमेशा से शुरुआत अनमोल कनिका से, जैसा कि उनके मालिश के बाद उनको अनमोल को स्कूल भेजने से, लड्डू को खिला पिला के वापस सुला देने से, और उसके बाद फिर अपना खाना कुछ शॉर्टकट में निपटाने से, ये मेरा डेली का अभी फ़िलहाल रूटीन है। जब काम पे ज़्यादा फोकस होता है ना तो इंसान अपने खान पान पे ध्यान नहीं देता है कि वो कैसे भी कुछ भी खा के बस लगता है कि हाँ चलो खा के बस काम में लग जाओ। तो दोपहर में सुबह का नाश्ता था हमारा खिचड़ी, और दोपहर में 3-4 बज गए थे तो मेरे हस्बैंड मैगी बनाए थे, बट मेरी क्लास थी तो मेरा मैगी पड़े पड़े थोड़ा ठंडा होने लगा, तो फिर उन्होंने ना क्या किया कि वापस से उसे गर्म करके दिया, और करीब 4:30 बजे तक मेरी क्लास थी। फिर मैगी खा करके मैं वापस आई थी गुलाब जामुन बनाने के लिए, बट ये थोड़ी सी झलक उल्टा पलटे लग गया मेरा थोड़ा व्लॉग और सारी चीज़ें ना, टाइमिंग का थोड़ा सा हौच पौच आपको समझ में आता होगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम ऐसे रहता है ना अस्त व्यस्त था कि मैं खुद भी कई बार कन्फ्यूज हो जाती, मैं कितने बजे क्या कर रही थी ऐसा हो जाता है। किसी किसी दिन बैच भी एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है मुझे, बेसिक कोर्स का एडवांस कोर्स का भी अलग अलग दिन है, तो इस तरह से मतलब हो जाता है मैनेज। तो मैं यहाँ बनाने आई थी गुलाब जामुन, क्लिप लग गया था रात का, तो गुलाब जामुन इसलिए बनाई क्योंकि मुझे ना एक एडवांस कोर्स स्टार्ट हो गया था, मैंने कुछ मीठा बनाया नहीं, और मैं तभी सोची थी जब मेरे अभी 20 बार वाले सभी स्टूडेंट्स को पहुँच जाएगा ना एडवांस कोर्स किट, आज जा कर के पहुँचा है सभी को भी एक एक करके, तो मैंने आज सोचा कि चलो कुछ मीठा बनाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा है ना। और गुलाब जामुन बनाने के लिए मिक्स ला के रखी हुई थी पहले से ही, जब मैं एडवांस कोर्स किट का तैयार कर रही थी ना तभी मैं मिक्स ला के रखी हुई थी, और मैंने यही सोचा था कि ये सारे किट जब पहुँच जाएंगे ना तो मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन, मतलब कुछ मीठा, और भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो मैंने वही किया और ये बनाने में मैं लगी हुई थी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अब मैंने एक और ऑप्शन रखा है, जैसे कि कई जगह से ना होता है कि हम सिर्फ कुंदन सीखना चाहते हैं, मतलब कई जगह सिखाई भी जाती है सिर्फ कुंदन ज्वेलरीज, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कई लोगों को तो है कि हमें सारी चीज़ें सीखनी है, बट कई लोगों को ये रहता है ना कि मुझे सिर्फ कुंदन वाली सीख लेनी है या फिर सिर्फ बीट्स वाली जो मैं मोतियों वाले बनाते हैं वो सीख लेनी है। तो मैंने ये ऑप्शन भी ऑन किया है, वो रहेगा आपका कुंदन वाला, और उसके साथ बीट्स वाला और फैब्रिक ज्वेलरी और फ्लावर ज्वेलरी, सब अलग अलग डिवाइडेड रहेगा। वैसे तो मैंने जो अभी तक कोर्स बनाए हैं, जो किट बनाए हैं, जो रेडी किए हैं, जो भेजे हैं, वो ये है कि उसमें मैं सारी ज्वेलरी सिखाऊंगी। अब जब सारी ज्वेलरी का बेसिक नॉलेज होगा ना तो आप हर तरह की ज्वेलरीज बना पाओगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को सिर्फ कोई पर्टिकुलर सीखना है ना तो वो भी सीख सकते हैं। जहाँ मैं इतनी सारे अलग अलग तरह की ज्वेलरीज का किट बना रही हूँ ना एक में, मैं वहाँ आपके कुंदन का मतलब उसके हिसाब से मैं सिर्फ कुंदन ज़्यादा कर दूँगी। जैसे अगर कुंदन का सीखना है तो जैसे मान लो कि मैंने जैसे कि इसमें जो रखा है ना मैंने कोर्स में, मतलब मान लो मैंने बीड्स के अलग रखे हैं, कुंदन के अलग रखे हैं, एक दिन प्रैक्टिस के लिए अलग रखे हैं, मंगलसूत्र के अलग रखे हैं, तो मैं इन सब की जगह पे ना उसके बदले में कुंदन रखूँगी, जिससे कि कुंदन के अलग अलग सेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उसकी भी प्राइस यही रहेगी लेकिन सारी चीज़ें उसमें कुंदन वाली से रिलेटेड रहेगी, मतलब कुंदन का ज़्यादा करके सामान होगा। अगर आप उसमें कंबाइंड कराना चाहोगे फ्लावर ज्वेलरी तो वो उसका सामान भी मैं उसमें मिक्स कर दूँगी, और नहीं तो अलग अलग से करना है ना तो आप अलग अलग से कर सकते हो, मतलब फ्लावर ज्वेलरी ऑप्शन है, फैब्रिक ज्वेलरी ऑप्शन है, इसके अलावा चेन वाले, चार्म्स वाले, वो सब भी आप सब कुछ मिक्सअप करके सीख सकते हो। बट फिलहाल मेरा कोर्स ऐसे करके है कि मैं इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा देती हूँ, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहो बीड्स की ज्वेलरी मुझे बनानी है मोतियों वाली, तो मैं उस हिसाब से इसी कोर्स में जो मैं यहाँ पर सामान भेजती हूँ ना हर तरह की ज्वेलरी के, जैसे कि मैं झुमका के अलग भेजती हूँ, डायमंड नेकलेस अलग भेजती हूँ, कुंदन के लेयर्ड वाले अलग सिखाती हूँ, मंगलसूत्र चेन वाले मोती वाले अलग से सिखाती हूँ, इसके अलावा भी पूरी 21 ज्वेलरी का जो किट है मैं इस 21 की जगह पे उसको मैनेज कर दूंगी, मतलब कि पूरे के पूरे मैं बीड्स की क्वांटिटी बढ़ा दूंगी, ये सारी चीज़ें कर दूंगी सिर्फ जिनको बीड्स सीखना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके ऑप्शंस दे रही हूँ, जिसको फैब्रिक ज्वेलरी सीखना है वो सीख सकते हैं, फ्लावर ज्वेलरी सीखना है तो वो भी अलग से सीख सकते हैं, कुंदन ज्वेलरी वो भी अलग से सीख सकते हैं, और बीड्स वाली यानी कि मोतियों वाली ज्वेलरी अलग से सीख सकते हैं। और अगर आप चाहोगे कि पूरा कंबाइंड करके कॉम्बो सेट में सीखना है तो ये तो मेरे पास अवेलेबल है ही, अभी तक तो यही वाला चल रहा था, बट अभी कुछ लोगों को ना अलग से बीड्स वाले मेरे हाथ की सीखने, जो मैं अभी एविलाइज वाले बनाई थी ना और दुर्गा जी के बनाई थी,
तो कई लोगों के डिमांड आ रहे हैं कि हमें सिर्फ बीट्स वाले सीखने हैं, तो मैं इसके लिए मैंने ये ऑप्शन ऑन किया कि ये तो मैं सारे का ही कर सकती हूँ अलग अलग से, फैब्रिक का भी अलग कर सकती हूँ, फ्लावर ज्वेलरीज भी, मैंने जब कॉडिशेल वाले बनाए थे ना फ्लावर ज्वेलरी, तो उसके लिए भी आ रहे थे कि हमें अपना हल्दी मेहंदी वाले ज्वेलरीज ये सब सिखा दो जो फ्लावर यूज होते हैं, बेबी शावर वाले, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप अलग से कोई भी एक पर्टिकुलर का भी कर सकते हो। बस अंतर ये रहेगा कि जो मैं इतने सारे अलग अलग तरह की ज्वेलरी का किट बना रही हूँ पूरा मेंटेन करके, मैनेज करके, कि आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना आए और आप हर तरह की ज्वेलरी भी सीख लो, तो मैं इसमें एक कोर्स में किट में क्या करूँगी कि मैं, आपने मान लो फ्लावर सीखना है तो मैंने इतना सारा सामान जो अलग अलग तरह की ज्वेलरीज का है उसकी जगह मैं सामान फ्लावर वाला ही एक्स्ट्रा डाल दूंगी। कुंदन सीखना है तो मैं इतना सारा सामान की जगह कुंदन वाला एक्स्ट्रा नेकलेस सेट डालूंगी उसमें। डायमंड सेट सीखने हैं तो वो अलग से डालूंगी, ऐसे करके मतलब अलग अलग से सीख सकते हो। चलिए ये गुलाब जामुन बनाते हुए मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी, अब मैं आ गई थी। अब हाँ, अगर आपको जानना है कि मेरे बेसिक कोर्स में मैं क्या क्या चीज़ें बेसिक नॉलेज देती हूँ, बेसिक कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जो 21 सेट है जो मैं बनवाने वाली हूँ, वो सारे नॉलेज के लिए आपको बेसिक कोर्स करना होगा, और एडवांस कोर्स में ऐड होने के लिए बेसिक कोर्स बिल्कुल कंपलसरी है। तो मैंने ये वाला सेट नेकलेस सेट ऐसे ही, मतलब मैं सोची ना कि मैं कोई एक ऐसा सेट बनवाऊँ स्टूडेंट से कि उसमें सारे पैटर्न्स हो, ताकि उनके सारी चीज़ों पर हाथ क्लियर हो। तो ये उसका कुछ ऐसा मिक्सअप था, ये एक अलग ही कोर्स चल का है। ये अलग कैसे है, जैसे कि मेरे सामान स्टार्टिंग में गए थे, ठीक है, अलग कोर्स के सारे जज चले गए थे, तो उसमें स्टूडेंट सीख रहे हैं, एडवांस कोर्स में की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें स्टूडेंट सीख रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो सामान गया उसमें थोड़े बहुत पैटर्न्स चेंज, ठीक है। थर्ड टाइम जो जाएगा उसमें थोड़े बहुत पैटर्न्स चेंज, ऐसे ही होगा, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही सेम ट्रेंड के हिसाब से मिलता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि एक दिन कहीं बाहर भी जाएँ और कुछ चीज़ों के लिए ही जाना है, तो देखते हैं सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। तो ये एक सेकेंड डे वाले सेकेंड किट जब गया था ना स्टूडेंट्स को, उसमें का एक ये नेकलेस बना था। ये फर्स्ट ट्राई होता है ना, कि फर्स्ट ट्राई की हर चीज़ पे थोड़ा बहुत हाथ फिनिशिंग है, तो ये मैंने सिखाया था। इसके बाद फिर कुछ नहीं, इसके बाद जो आप ये रेड, हाँ ये वाला जो नेकलेस देख रहे हो ना, ये वाला है जो मैंने सिखाया था। मुझे लगा कहीं आप वो वाला ना समझ लो, वो तो किसी को जा रहा था और वो पैकिंग करनी थी मुझे, तो मैंने उससे पहले एक वीडियो ले ली। और ये सब करते हुए चल चलेंगे, बच्चों को थोड़ा सा तेल लगाना है और उनको खिलाना है पिलाना है, उन लोगों का आदत है पता है, वो कहीं भी घूमे कुछ भी करें, बट खाने पीने का टाइम होगा, तेल लगवाने का टाइम होगा, या फिर कपड़े चेंज कराने का टाइम होगा, तो वो दौड़ के सीधे आएंगे इधर ही और गेट बजाना स्टार्ट कर देंगे। अगर रूम बंद करके कुछ काम कर रही हो तो बजाना स्टार्ट कर देंगे, खुला है तो सीधे आके बताते हैं कि प्यास लगी है या फिर जो भी है। अब बहुत लोग ये भी सवाल आते हैं कि आप ही क्यों सारी चीज़ें अपने बच्चों की सारी चीज़ें करते हो, तो ऑब्वियसली, और बीच में जब गर्मी बढ़ी थी ना, तो मैं ना थोड़ा सा दो दिन कोर्स वाले किट और उन सब बनाने में बाहर भी जाती रहती थी, आती रहती थी, तो उस बीच आपको ध्यान होगा कि मेरी लाडो रानी एडमिट हो गई थी और पानी की कमी हुई थी एंड ऑल, तो मैं इसी वजह से प्रॉपर ध्यान रखती हूँ और लगी रहती हूँ कि, और हर कोई मेरे ख्याल से लगा रहता है, गर्मियों का सीज़न है तो थोड़ा ज़्यादा खास ध्यान, गर्मी हो ठंडी हो हर चीज़ में बच्चों पे खास ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नेहा नेहा बोल रही थी, क्या हुआ हा? किस लिए आवाज लगा रही हो, क्या है, कहाँ पे आ, नेहा कौन है, नेहा किसको बुला रही थी, नेहा कौन है, चिड़िया तो है, नेहा कौन है, अरे चिड़िया, चिड़िया की बच्ची, चूहा है, कहाँ पे, अच्छा। तो जैसा कि मुझे ये वाले रात में कंप्लीट करने हैं, अभी कई सारे यहाँ से डिस्पैच कर चुकी हूँ, अभी फिर से नया बना रही हूँ। मैंने दो तरह के फ्रेम्स रेडी किए हैं, एक दो तरह के फ्रेम्स रेडी किए हैं, मतलब कि दो अलग अलग लोगों के लिए रेडी किए हैं, दो तरह के अलग अलग नहीं है, मतलब दो एविलाइज ईयरिंग्स के फ्रेम रेडी किए, और हाँ ये फ्रेम बिल्कुल इक्वल साइज के रहते हैं, और ये मैं खुद से ही बनाती हूँ सारी चीज़ें, कैसे करती हूँ क्या करती हूँ ये सब मैं कोर्स में सिखा रही हूँ, और कैसे बनाना है और सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है, और हर एक चीज़ के छोटे बड़े डिटेल सारी चीज़ें आपको दिख
खाऊंगी, सिखाऊंगी, इतना परफेक्ट बना दूंगी कि हाँ आप हर तरह की ज्वेलरीज बना पाओगे जैसे मैं बना पा रही हूँ। और पर्टिकुलर का भी ऑप्शन ऑन कर दिया है, अगर किसी को पर्टिकुलर को एक सीखना है तो वो भी है, अगर आपको पूरा एक साथ सीखना है तो वो भी है, सारे ऑप्शन हैं मेरे पास में, हर तरह की ज्वेलरीज बनाने के ऑप्शन हैं। तो चलिए आज मैंने अपने हस्बैंड को भी भिड़ाया है कि थोड़ा चलो मोती वोती करवा दें, मैं नीचे वाला नीचे के लेयर्स बनाने होते हैं तो ये सब करवा दो, तो ये सब बनाते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों मेरे, थोड़ी भी मेहनत दिख रही हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे एवेलाइज इयरिंग्स बन रही है, जो भी बनेगा हाई नहीं किसी की नज़र नहीं लगे। और चलिए ये देख दो, सुबह हो गई हमारी और ये हमारे दोनों बच्चे जग के बैठ भी गए आकर के, हो गया दोनों जगते ही सबसे पहले भागते हैं मेरे पास कि मम्मी खिलाएगी पिलाएगी तेल लगाएगी, और उसके बाद फिर घूमेंगे ये लोग पूरे घर में। तो चलिए